हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बेसिक मटन करी जो होती है जिसे कोई भी बना सकते हैं, जैसे बैचलर्स भी बना सकते हैं, वैसा वाला मटन करी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही बेसिक है पर बहुत ही टेस्टी भी रहेगा, ये तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो मटन जो है 1/4 किलो मटन लिया हुआ है, तो इसके लिए पहले हमें कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालना होगा। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऑनियंस, स्लाइस्ड ऑनियंस डालेंगे, 2-3 ऑनियंस। ऑनियंस को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हमें बनाना है, पूरा ब्राउन नहीं, सिर्फ लाइट ब्राउन ही चाहिए हमें। जब तक ऑनियंस फ्राई होते हैं, इस बीच हमें एक प्रिपरेशन करके रखना होगा। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर जो है यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है, और जो मटन होता है उसे भी अच्छे से वॉश करके वाटर ड्रेन आउट होने के लिए इस तरह से मैंने कंटेनर में डाला हुआ है। तो ये हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो अब ऑनियन चेक करते हैं। ऑनियन को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो अब देखिए हमारे ऑनियंस जो है अच्छे से लाइट ब्राउन कलर में आ चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से हम मिलाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जब अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हमें वॉश किया हुआ मटन पीसेस इसमें डालने होंगे। इन मटन पीसेस को भी हम अच्छे से मिलाएंगे। इन मटन पीसेस को हम थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए और इनमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एवापोरेट होने तक हमें इसे थोड़ी देर फ्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो भी इसमें मसाले जो डाले हैं और जो डालेंगे वो सब इसे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर, इसलिए हमें मटन को अच्छे से ऑयल में फ्राई करना होता है। इससे टेस्ट जो है करी का बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर के बाद हमें इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून सॉल्ट डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। इसलिए मिलाना है कि जो मटन पीसेस हैं उसमें ये जो मसाला हम जो भी नमक मिर्च जो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल ये सब अच्छे से जब ये सब अच्छे से मिल जाएंगे तो इनका टेस्ट ही जो है अच्छा रहेगा। अब इस पर हम लिड जो है रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम चेक करते हुए इसे मिलाते रहेंगे ताकि ये जो है जल ना जाए, इसीलिए बीच बीच में हम मिलाते रहेंगे। जब हमें लगता है कि अच्छे से फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने से ये बहुत ही यम टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी होता है करी। हम इसमें मसाले ज़्यादा नहीं मिला रहे हैं, बहुत ही बेसिक रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी होगा, बिल्कुल आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तो जब हम टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे, और हमें कब तक इसे फ्राई करना है, तब तक कि टमाटर जो है अच्छे से मैश ही ना हो जाए, तो मैश होने तक हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। तो हम इस पर एक लिड रख देंगे और अच्छे से हमें पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रोटी के लिए आटा जो है रेडी करके रखा हुआ है। रोटी के साथ एक मटन करी बहुत ही अच्छी होती है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा।
तो देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से मैशी हो चुके हैं। इस टाइम पर हमें जो कोरिएंडर लीव्स हैं उसे अच्छे से वॉश करके हमें इसमें थोड़ा सा डालना है, अभी थोड़ा सा डालना है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम रखेंगे। तो ये मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा डाल रही हूँ, सो ये बचा के रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। अभी ये धनिया डाल के हमें अच्छे से इसे मिलाना है। तो फ्राइंग टाइम हो गया है और अब है बॉइलिंग टाइम। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। यहाँ पर मैं 2.5 कप्स वाटर डालने वाली हूँ। मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है रनी कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब थोड़ा सा लूज कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए 2.5 वाटर जो है मेरे लिए इनफ है। अगर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके मर्जी है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे रखना चाहते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अब हम इसका जो है लिड रख देंगे और मैं यहाँ पर 6 to 7 विजल्स मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे कुकर में थोड़ा सा ज़्यादा पकता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा विजल्स रखने पड़ते हैं, तो मैं 6 to 7 विजल्स रखूँगी। तो विजल्स जो है आ चुके हैं और जो वेपर है वो भी निकल चुका है। तो अब देखते हैं, देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पर फिर से हम स्टोव ऑन करेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि जो इसका लूजी कंसिस्टेंस, मतलब जो पानी इसमें जो एक्स्ट्रा होता है, इस तरह से थोड़ा पकाने से जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक बनता है। थोड़ी देर पकाने के बाद ये इस तरह से पक जाएगा। सो फाइनली हमें इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करने से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये फाइनल में इसलिए ऐड कर रही हूँ, लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट में डालने से इसके जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्लेवर के लिए मैं लास्ट में डालती हूँ। ये डालने के बाद अच्छे से मिलाएँगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम थोड़ी देर इसे सिम में रखेंगे, ताकि सिम में रखने से जो ऑयल जो है ऊपर आएगा। बस हमारी करी जो है फाइनली रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।